श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अधिक मास की है एकादशी। जी हाँ, वह कब है? 12 अगस्त को। और 13 अगस्त को है अधिक मास की प्रदोष। यह अंतिम मौका है, आखिरी मौका है। फिर इसके बाद जो अधिक मास का महीना लगेगा वह लगेगा 3 साल बाद। अब वह पता नहीं है कि वह सावन के महीने में लगता है या फिर जेठ के महीने में लगता है कि भादों के महीने में लगता है। तो जो अधिक मास का महीना इस बार सावन के महीने में आया है, जो सावन और अधिक मास दोनों महीने एक साथ है, तो यह अंतिम मौका है इन उपाय को करने का और बाबा को मनाने का। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदीजी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है एकादशी के दिन, यानी आपको करना है 12 अगस्त शनिवार के दिन। देखिए, अगर शनि की ढैया चल रही है, 7:30 चल रही है और आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, आप बहुत प्रयास कर चुके हो कि विवाह हो जाए या फिर नौकरी लग जाए या कोई व्यवसाय शुरुआत कर ले, नया मकान खरीद ले, पर ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे ग्रह में, हमारी कुंडली में शनि की ढैया तो नहीं चल रही है, 7:30 तो नहीं चल रही है और आप परेशान हो अगर, तो शनिवार की एकादशी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। क्या करना है? देखिए, आपको लेना है पीपल के वृक्ष की छाल। जी हाँ, पीपल के वृक्ष की छाल कैसे निकालोगे? तो पीपल की जो वो रहती है, पेड़ रहता है, उसके ऊपर जो छाल लगी रहती है उसको आप उंगली से निकाल लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके की आपको मिलेगी। और इस छाल से आपको तैयार करना है चंदन। कैसे निकालोगे? तो एक चंदन घिसने का पटिया पीड़ा आता है, पत्थर आता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप क्या कर, या किसी पत्थर पे आप घिस ले और उस पीपल की छाल से आपको निकालना है चंदन। जी हाँ, पीपल की छाल का चंदन निकाल लिया आपने। अब इस चंदन को लेकर आप जाइए शिवालय। जी हाँ, आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है वहां चले जाइए, और अगर घर से थोड़ी दूर पे शिवालय है आप नहीं जा पा रहे तो अपने घर में छोटी सी शिवलिंग तो होगी ही होगी, तो वहां पर भी इस उपाय को आप कर सकते हो। क्या करना है? उस चंदन से आपको बनाना है 3 उंगलियों से त्रिपुंड। जी हाँ, बाबा के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना दीजिएगा, और त्रिपुंड बनाने के बाद आपको उस त्रिपुंड में से थोड़ा सा चंदन लेकर अपने घर आना है। जी हाँ, त्रिपुंड बनाने के बाद थोड़ा चंदन घर लेकर आइए, फिर उसके बाद अपने कंठ पर, जी हाँ, अपने कंठ पर उस चंदन से एक बिंदी लगाइए, और बिंदी लगाते समय आपको जो स्मरण करना है वह नाम लेना है काशी विश्वनाथ महादेव का। जी हाँ, क्या नाम लोगे? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर उस चंदन से अपने कंठ पर एक बिंदी लगा लें। बस इतना सही उपाय करके देखिएगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो ही जाएगी। दूसरा उपाय, यह उपाय है अधिक मास की एकादशी का। जी हाँ, करना कब है? शनिवार के दिन 12 अगस्त के दिन। गुरु जी ने जैसे कि दान की एक लिस्ट निकाली थी कि हर एक दिन हर एक चीज का दान करने का एक अलग ही महत्व है, हम अपनी मनोकामना को बोलते हुए, अपनी बात का स्मरण करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, कृष्णा जी का स्मरण करते हुए वह वस्तु किसी को दे सकते है। तो जो आपको शनिवार के दिन 12 अगस्त के दिन अधिक मास की आखिरी एकादशी के दिन देना है वह है चौकी। अब चौकी क्या होती है? जो पाटा आता है पूजा पाठ का, उसका सबसे छोटा वाला जो पार्ट आता है। जी हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं खरीदना है, छोटी सी खरीद ले और खरीद कर अपनी मनोकामना बोलते हुए उस चौकी को या तो किसी मंदिर में रखकर आ जाए, मंदिर में दान दे दे, या किसी ब्राह्मण जन को, पंडित जन को दे दे, या जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को भी आप दान दे सकते हो कि वह इस चौकी का उपयोग पूजा पाठ में कर सके। जब किसी वस्तु का दान दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दो जिसको जरूरत है, जो उस दान का महत्व समझे, तो हमारा दान भी पूरा लगता ही लगता है। तीसरा उपाय, यह उपाय है विवाह के लिए। अगर मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो शीघ्र विवाह की कामना है कि जल्दी शादी हो जाए, तो आप इस उपाय को अवश्य करना। इस उपाय का एक नियम है, क्योंकि यह जो उपाय है वह आपको एकादशी से लेकर अमावस्या तक करना है। जी हाँ, एकादशी यानी कि 12 अगस्त शुरुआत करना, और इस बार तो अधिक मास है तो 5 दिन बहुत विशेष है, तो 5 दिन आप लगातार इस उपाय को करना शीघ्र विवाह की कामना के लिए। क्या करना है, कैसे करना है, समझिए। आपको लेना है
एक चावल का दाना, जी हाँ एक आखा चावल का दाना लीजिएगा और उसको आपको एक केसर के चंदन में भिगो लेना है। अब केसर का चंदन कैसे निकालोगे, तो केसर की डब्बी मार्केट में मिलती है, उस केसर को लेकर आओ और केसर को पानी से घोल लो। घोलने के बाद वह बनेगा चंदन, केसर का ओरिजिनल चंदन बनेगा, जो नकली नहीं बनाना है। केसर लाओ ओरिजिनल और उसे चंदन बनाओ और चावल का दाना उसमें भिगो लो, भिगो के झटपट निकाल लो, ऐसा नहीं कि डाल के भूल गए, डाला और निकाल लिया। निकाल कर अपने विवाह की कामना करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर उस चावल के दाने को समर्पित करना है। अब आपका कमेंट आएगा कि दीदी चावल तो एकादशी पर नहीं चढ़ता है। चावल जो है वह एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है, वो बात सही है कि खाते नहीं है, पर गुरुजी ने कहा है कि चावल के दाने शिवलिंग पर या अन्य भगवान के ऊपर आप समर्पित कर सकते हो एकादशी के दिन। तो आपको उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, साथ में आपको मंत्र का स्मरण करना है, वह भी उल्टा मंत्र बोलना है। जी हाँ, उल्टा मंत्र कैसे बोलते हैं, जैसे सीधा मंत्र होता है ओम नमः शिवाय होता है, इसका आपको ऑपोजिट बोलना है। तो क्या आएगा, शिवाय नमः ओम, यह बोलकर उस एक चावल के दाने को, केवल एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अपनी विवाह की कामना करते हुए चढ़ा दीजिए। ऐसा आपको लगातार 5 दिन तक करना है, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, उसके अगले दिन और अमावस्या। यह आपको 5 दिन लगातार करना है, करके देखिएगा। अधिक मास का पावन महीना है, महादेव चाहेंगे तो आपका मंगल विवाह बहुत ही जल्दी पूरा होगा ही होगा। चौथा उपाय, यह उपाय तो ऐसा है, अगर आपकी खाली झोली है, खाली पॉकेट है, इस उपाय को करने से बाबा आपकी पॉकेट भर देंगे। आपके जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, आपके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, दुख की घड़ियां समाप्त नहीं हो रही है, परेशान से हो गए हो, कर्जा बढ़ चुका है, या आपके घर में हर एक व्यक्ति या हर पूरे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता रहता है और हम चाह रहे हैं कि हमारे घर में क्या ऐसा परेशानी लग गई है कि वह दूर हो जाए, बुरी नज़र हमारे घर से दूर हो जाए या बुरी बला हमारे घर में प्रवेश ना करे, तो यह उपाय आपको अधिक मास की एकादशी, अधिक मास की प्रदोष, अधिक मास की शिवरात्रि और अधिक मास की अमावस्या पर करना है। जी हाँ, लगातार करना है यह उपाय, यह अंतिम मौका है, आखिरी मौका है, मौका बार बार नहीं मिलता है। तो क्या करना है, बहुत सरल उपाय है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, कुछ लोगों को तो यह उपाय पता भी है, पर ध्यान रखे आप ऐसा ना सोचे कि यह उपाय तो हमने एक बार कर लिया है, एक बार कर लिया है पर गुरु जी ने कहा था यह पूरे अधिक मास के महीने में विशेष तिथि पर करना है, तो यह बार बार तिथि पड़ रही है तो बार बार करें। तो यह हमारे पास अंतिम मौका है, आप अवश्य करना। क्या करेंगे, देखिए आपको लेना है लंबी बाती के घी के दीपक, वह भी माटी के, मिट्टी के, जी हाँ 5 दीपक आपको तैयार करना है। 5 दीपक तैयार करने के बाद इन 5 दीपकों को अपने ही घर के भगवान जी, अपने ही घर का जो मंदिर है वहां बैठकर, अपने भगवान के सम्मुख बैठकर आपको उन 5 दीपकों को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको महादेव का, माँ पार्वती जी का, सभी भगवान का स्मरण करना है, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और 5 दीपक अपने घर के मंदिर के अंदर ही प्रज्वलित करना है। जी हाँ, और प्रज्वलित करने के बाद फिर उन दीपकों को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, जमा देना है। जी हाँ, कैसे जमाएंगे आपको वीडियो में दिख रहा है, सेम ऐसे ही आपको बत्ती का मुख अपने घर की ओर करते हुए 5 दीपक रख देना है। बस इतना सा यह उपाय करना है, यह उपाय सभी को करना है, सभी को अपने अपने घर में करना है। धन संपदा की इतनी बरकत होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। यह बहुत विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, यह उपाय आपको करना है रविवार की प्रदोष पर। जी हाँ, नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर आपकी सर्विस, सरकारी सर्विस नहीं लग पा रही, सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है। देखिए आप बोलो कि इतने सारे उपाय हैं, यह जो विशेष उपाय होते हैं यह उपाय आप तिथि के हिसाब से करिए। अगर सब उपाय नहीं कर सकते
तो कोई एक जो आपको सरल लगे, जो आपको सरल लगे कि यह उपाय हम कर सकते हैं, आपके दिल से लगे कि हाँ यह उपाय मैं करूँगी और मेरी कामना पूरी हो जाएगी, तो आप उस उपाय को अवश्य करना। तो यह उपाय भी आप कर सकते हो। इस उपाय को पर आपको रविवार की प्रदोष के दिन करना है। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आपको करना है। क्या करना है, एक बेलपत्र लीजिए और आपको लेना है शुद्ध देसी गाय का दूध। जी हाँ, क्या लेंगे, बेलपत्री और दूध, और उस दूध को, उस दूध के अंदर बेलपत्री को आपको डुबा देना है और डुबा के निकाल लेना है। तो उससे क्या होगा कि जो दूध होगा वह बन जाएगा बेलपत्री वाला दूध। ठीक है, अब इस बेलपत्री वाले दूध को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बेलपत्री से बूंद बूंद भी आप शिवलिंग के ऊपर दूध समर्पित कर सकते हो। या तो ऐसा कर ले, या फिर बेलपत्री ऐसे सीधे हाथ से पकड़ ले उल्टे हाथ से, और सीधे हाथ से दूध की धारा चढ़ाना शुरुआत कर दे। तीन तरीके से आप महादेव को दूध समर्पित कर सकते हो। इन तीनों तरीके में से कोई एक तरीके से भी आप समर्पित कर सकते हो। अपनी मनोकामना बोलकर आप जिस भी मनोकामना से महादेव को दूध समर्पित करते हो, इस तरीके से वह मनोकामना महादेव बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। आप देखो, दूध चढ़ा दिया आपने, अब जो बेलपत्री से चढ़ाया है उस बेलपत्री को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ध्यान समर्पित करिएगा, कहाँ करेंगे, जहाँ वीडियो में दिख रहा है सेम यहीं पर आपको समर्पित कर देना है। जो विशेष उपाय है मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, तो गुरु जी द्वारा बताया कोई विशेष उपाय, इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। मौका बहुत अच्छा मिला है, आप मत गवाइएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा जिन्हें उन उपायों की आवश्यकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।